अच्छा जितना देखने में अच्छा लग रहा उतना ये खाने में भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए गर्मा गर्म लिट्टी निकल रही है थाली में आपके। अच्छा इस शक्ल देखो बिहारी स्टाइल में सोएब जी, ये है, ये देखिए सरसों के तेल में बना हुआ सरसों से, ये है हमारा सरसों फिश करी। अगर कभी भी मटन खाना है ना, तड़कता भड़कता जान लेवा, जो अंदर से ना सीटियाँ निकाले आपके, आवाजें निकाले। यो यो यो, what's up people, I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बारी। मानेसर आया हूँ, पता मैं क्यों यहाँ पे आता हूँ, इज ओनली बिकॉज दिल्ली इज बिन एक्सप्लोर्ड फुली, आर पीपल हैव काइंड ऑफ ट्राइड मोस्टली ऑल द प्लेसेस एंड कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन से लोगों के चक्कर लगते हैं अलग अलग जगहों पे। जिस जगह पे मैं हूँ मानेसर सेक्टर 1, जगह का नाम है लिट्टी बोटी, जहाँ पे शिवानी मैम शी डज एन अमेजिंग जॉब एंड शी गिव्स यू विलेज स्टाइल पत्तल की प्लेट में प्रॉपर हांडी मटन हांडी चिकन एंड सरसों मच्छी। मैं आया ना टेबल पे, मैंने देखा है दे पुट अप ऑल ब्यूटीफुल इंडियन स्पाइसेस, जहाँ पे हर कलर का स्पाइस दिख रहा था। इसके अलावा सरसों का तेल, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मटन 1 किलो जो हमारे लिए तैयार करेंगे एंड शी इज गोइंग टू मेक अस अ रेसिपी that you can try at home and if you succeed then you have an amazing recipe for yourself. और अगर नहीं कर सकते तो order कर लेना। कहने का मतलब है कि if you're a lover of खड़े मसालों का मटन then I think this is the right place for you. सत्तू ड्रिंक बड़ी अच्छी है क्योंकि धूप का समय है। इसके अलावा कह रहे सरसों मच्छी फॉर मच्छी लवर्स एंड चिकन इज एवर ग्रीन एवरी लव्ड बाई एवरीबडी। टीम यहाँ पे अच्छी है, एक छोटा किचन अंदर है, एक अच्छी जगह है जहाँ विलेज स्टाइल अच्छा खाना मिलता है। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, थोड़ी गप्पे थोड़ी शप्पे, स्टेप बाई स्टेप रेसिपी जहाँ पे आपको पता चलेगा अच्छा मटन कैसे बनाया जाता है स्पष्ट बातों में। ये मिलते हैं, ऑर्डर करते हैं और सच्चा रिव्यू देते हैं। चलें लेट्स गो गाइस, लिट्टी बोटी सामने मैम मिलवाता हूँ आपको। नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार सर, ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। आप बनारस से हैं? जी सर, हम बनारस से हैं और वैसे सर अभी हम तो रिसेंट गुड़गांव में हैं और हम एक सर हाउसवाइफ के साथ एक बिजनेस वूमन भी हैं। अच्छा। और ये सर हमारा लिट्टी बोटी, हमारी शॉप का नाम है लिट्टी बोटी और आम लिट्टी बोटी ओनर शिवानी सिंह। अच्छा। और सर ये जो है कि सारे इंग्रेडिएंट्स सजा दिए जी जी, मैंने ये चंपारण मटन का जो है इंग्रेडिएंट सब 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 कुछ सजाया हुआ है। आप बनाएंगे? हाँ हम बनाएंगे सर, और हम ही बनाते हैं। और ये हमारा जो शॉप है सर, ये सेक्टर 83 में था। अच्छा। जब कोविड के समय में सारा लॉकडाउन लगा हुआ था। अच्छा। तब मैंने ये अपना होम बिजनेस स्टार्ट करा था। चलो चालू करें मैम बनाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। शोएब जी आज हम बनाएंगे 1 kg ये मीट बनाएंगे। ये है हमारा 1 kg मीट है, 1 kg में हमारा ये 1 kg ऑनियन जाएगा। फिर उसके बाद शोएब जी हमारा जाएगा ये कुछ लहसुन की ये कलियाँ जाएंगी, ठीक है? ये तो जरूरी है जी, चंपारण जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा जीरा है, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब जाएगा 1 kg में। साबुत लाल मिर्च जी, साबुत लाल मिर्च। अब जी ये हमारा ये कुछ तेज पत्ते हैं, ये काली मिर्च है और ये मेरा खुद का बनाया हुआ गर्म मसाला है घर का, ये हम डालेंगे। देन हम डालेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये पूरा मैरिनेट कर रहे हैं, मैरिनेट करेंगे इसको। वेरी गुड, डाल के अच्छे से इसको खूब मैरिनेट करेंगे। मैंने हाथ पहले ही धो के क्लीन कर लिया है, अब इसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो ये प्रॉपर चंपारण मीट, अहुना मीट की जी ऑथेंटिक रेसिपी है जी। जी सर, मैम कितने सालों से कर रहे हो कुकिंग? सर कुकिंग कुकिंग को तो हो गया सर 5-6 साल हो गए। अच्छा। लेकिन हमारी ये बिजनेस को 4 साल हो गए हैं सर पूरा। वेरी गुड, तो लोग पसंद करते हैं स्पाइसी मटन इस तरह से, खड़े मसालों वाला पसंद करते हैं सर। हाँ तो चंपारण ही क्यों, मतलब मैं समझा नहीं। चंपारण सर जो है हमारा ऑथेंटिक टेस्ट, एक बिहारी जो फ्लेवर आता है, जो चंपारण की आप मतलब जो टेस्ट है ना वो और नॉर्मल मटन मुझे लगता है वो टेस्ट नहीं देता है। अच्छा, हमारा आपका फेवरेट है वाला? जी है? जी मेरा फेवरेट है। वेरी गुड, नाले आपका स्टाफ मुझे अच्छा लगा, साइड पकड़े। नमस्कार जी, नमस्कार जी, वेरी गुड। इसको अच्छे से खूब मैरिनेट करेंगे और इसमें ये जो है सरसों तेल है, मस्टर्ड ऑयल कच्चा तेल, इसको भी हम इसमें डालेंगे। ये तो जान है जी। जी जी, ये सरसों तेल ही इसका जान है, सरसों तेल, लहसुन, अदरक, ये जो होता है मटन का जान होता है। सरसों जो तेल सर मैंने डाला ना, इसको गर्म करके ठंडा किया है, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है। अच्छा। हाँ, सो पहले गर्म किया था, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसके बाद डाला। वेरी गुड सोएब जी, ये हमारा मैरिनेशन हो गया, अब मैरिनेट हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ प्रोसेस हांडी में। अब इसमें जाएगा गर्मा गर्म ये सरसों का तेल, बस पसंद है, और फिर इसको हम अच्छे से ताकि हर जगह जी घुमा घुमा के इसको अच्छे से वो करेंगे ताकि मटन नीचे से जले नहीं। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, ये है बड़ी इलायची, ये कुछ छोटी इलायची, ये दालचीनी, ये थोड़ा खड़े, ये लाल मिर्च और ये है स्टार,
स्टार मसाले इसमें डालेंगे, गरम मसाले। फिर उसके बाद अब इसमें जाएगा ये मटन। शोएब जी एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ कि सेक्टर 83 में जब मैंने ये चंपारण स्टार्ट करा था ना, उस समय अगल बगल कोई भी चंपारण मतलब खुला नहीं था। अभी हमारे अगल बगल बहुत सारे चंपारण हैं, लेकिन अभी भी लोग सेक्टर 83 से हुडा से लोग हमारे ये मीट को खाने आते हैं, चंपारण मीट को। ये हमारा ऑथेंटिक टेस्ट है, जो गुड़गांव में कहीं भी ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम देखने में तो अच्छा लग रहा है सर, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ये खाने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, पत्तल की प्लेट में देते हैं? पत्तल की प्लेट में देते हैं पूरा, जैसे हमारे एक बिहार में बिहारी स्टाइल जो देते हैं ना चंपारण। अच्छा, मुझे पता चला जो आपके हस्बैंड है वो बिहार से ही है। हाँ, हमारे हस्बैंड बिहार से हैं। हाँ, हमारे उनसे भी हैं। ये हमारे संजय भैया हैं जो कि हमारे साथ ये हांडी में दम लगाएंगे। और अब ये जाएगा कोयले पे जी। किधर पकेगा ये? शोएब जी 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अच्छा, इसको पकने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। चलो कोई नहीं, इसका एंड रिजल्ट दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए शोएब जी आपको ले चलते हैं इसको कोयले पे, ये कोयले के आँच पे। अच्छा, 2-2.5 घंटे स्लो स्लो उसमें पकेगा। अच्छा, यहाँ पे पूरा सेटअप जी, ये पूरा भरा हांडी का सेटअप है। अच्छा, आराम से स्लो कुक होते जी, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे अभी इसको पकने में। अच्छा जी, इसी तरह से चिकन बनता है? इसी तरह से चिकन बनता है, लेकिन चिकन में 2-2.5 घंटे नहीं लगते। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात जी। वो तो मैं कहता हूँ आधे पौने घंटे एक घंटे में हो जाता होगा। हाँ, वो तो 1 घंटे लग जाते हैं सर जी। अच्छा, उसमें भी लग जाते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे ये है लिट्टी सर जी। अच्छा, ये भी यहाँ पे? हाँ, ये लिट्टी का ये सेटअप है। अच्छा, इसमें हम आपको लिट्टी रोस्ट करते हैं। और लिट्टी रोस्ट क्या रेट देते हो लिट्टी का? सर ये तो हमारा है 90 रुपीज प्लेट। इसमें अच्छा चोखा है, चोखा का अंदर है। हाँ, चोखा अंदर दिखाएं? वो दिखाएं? बिल्कुल बिल्कुल। यार, अच्छा ये किचन यहाँ पे बना रखी है? हाँ, ये हमारा छोटा सा किचन है। और ये है शोएब जी चोखा, ये आलू बैगन टमाटर, इसमें ये तीनों है। और ये हमारा, ये तो स्टेपल है जी। जी जी, बिहार का जी, है ना? हाँ, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। सो यहीं पे सारी तैयारी होती है? हाँ, यहीं पे सारी तैयारी होती है। अरे मैडम, चिकन कहाँ पे है? वहीं पे है, हांडी में ही। चिकन दिखा दो तब जी। जी सर, आइए मैं आपको चिकन भी दिखाती हूँ। ये है जी चिकन। ये चिकन है शोएब जी, दिखाएंगे पीस निकाल के? बिल्कुल बिल्कुल शोएब जी, ये चिकन है। संजय भैया उधर से लेग पीस दिखाइए जरा, मैं देख के भैया। अरे वाह, आराम से, क्या बात है। थोड़ी ग्रेवी निकाल के दिखाएंगे ब्रदर, थोड़ा खड़े मसालों वाली। ये देखो, क्या रेट का दे रहे हो चिकन? चिकन ऐसे है शोएब जी, 1000 रुपये के जी चिकन किलो, 1000 रुपये। और मटन? मटन है 1200, और उसमें रॉ जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा पूरा 1 किलो माल होता है? हाँ, 1 किलो पूरा माल होता है। बहुत बढ़िया। और सरसों मच्छी का? सरसों मच्छी भी आई है, मैं आपको सरसों घुमाते रहेंगे मेरे को आप? जी जी जी, आगे पीछे चलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। ये है हमारा सरसों फिश करी बिहारी स्टाइल में शोएब जी, ये है, ये देखिए सरसों के तेल में बना हुआ सरसों से, ये है हमारा सरसों फिश करी। कौन सा मच्छी? मच्छी रोहू है। अच्छा, रोहू भी मिलता है, कतला भी मिलता है, दोनों हम देते हैं। क्या रेट है इसका? इसका है रेट पीसेज वाइज है, मतलब 2-4-6 पीसेस का है, मतलब केजी में ये हम लोग नहीं सर्व करते। 2-4 क्या है कुछ बता दीजिए? 2 में सर हमारा 190 है। अच्छा, और हमारा 4 पीसेस का 330 है। अच्छा, और ऐसे ही करके 6-10-6 पीसेस का है। ठीक है। और ये इस पे हम लोग जब ये सर्व करते हैं ना, तो इस पे सरसों फिश में जो है कि ये धनिया जो है ना, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि तो हमारे सरसों फिश का जान होता है ये धनिया। गाइस, मैं ना वीडियो बनाता हूँ सिर्फ क्वालिटी के बेसिस पे, कोई सिंपैथी विंपैथी नहीं है। और अगर स्वाद है ना तो भैया सब कुछ है, और इसी के कारण लोग आते हैं। अच्छा, ये लिट्टी को प्रॉपर गर्म करके देते हो? हाँ सर, पहले से हाफ सेक रखते हैं, जब कस्टमर आते हैं तो फुल गर्म करते हैं। अरे वाह, फाइनल करके देते हैं, करारी करारी हो जाएगी गर्म में गर्म। अरे वाह, उसको घी में डीप करके और फिर चोखा के साथ सर। लिट्टी बनाते कैसे हैं? ये तो आटा हो गया ऊपर ऊपर, इसके अंदर चना का सत्तू है। शोएब जी आपकी थाली लगाई है। अरे वाह, और थाली में मैंने ये लिट्टी जो है पूरे घी में डुबो करके, अभी देखिए गर्मा गर्म लिट्टी निकल रही है थाली में आपके। और ये चोखा बना हुआ है आलू बैंगन का भरता है, देखा जी मैंने अंदर, मैम ने दिखाया था। इसके साथ ये चटनी हो गया धनिया पत्ते की। अरे वाह, और ये हो गया आपको अचार। सर, लोग शिकायत करते हैं कि भैया हुडा सिटी सेंटर में तो 50 के 2 लिट्टी मिलते हैं, तो आप 90 का क्यों देते हो? तो सर साइज देख लो, हमारे 2 लिट्टी में ना एक आदमी का पेट बिल्कुल फुल हो जाना है।
सो गाइज मैम मुझे बोल रही हैं गुड आइडिया कि ढाई घंटे लगेंगे बनने में, वेट करने से अच्छा है जो मेरी हांडी मटन ऑलरेडी तैयार है वो दिखा दो, रेसिपी का रिजल्ट वो भी वही होगा, तो वो जो हांडी तैयार है वो दिखा देते हैं, उसमें ढाई घंटे लगने यार बहुत देर हो जाएगी, शाम हो जाएगी, तो वो दिखाता हूँ आपको, आप एंड रिजल्ट समझ लो, मटन का एंड रिजल्ट देखो अब आप। आइए शोरभ जी आपको दिखाते हैं मटन का, ये देखिए क्या बात है, ये है हमारा मटन तैयार है बिल्कुल। हाँ तैयार है बिल्कुल सब कुछ जी। So, जो हमने बनाया ये वही ऐसी एंड रिजल्ट है। हाँ हाँ ये ऐसी ही होती है सर, ये ढाई घंटे पूरा लगता है। डालें इसको प्लेट में। हाँ आई ये चाप। अरे वाह इस शक्ल देखो तो आप लोग तो देख के बोर हो गए होंगे, डेली बनाते हो। हाँ डेली बनाते हैं लेकिन फिर भी बोर नहीं है हर एक दिन। ये हो गया जी चिकन। वाह जी वाह। ये शोएब जी इसमें चपाती है, ये साथ में जो है प्याज है। हाँ जी मैम ये क्या है? ये चने के सत्तू से बना हुआ ये ड्रिंक है और गर्मियों में जो है कि इसको बहुत लोग प्रीफर करते हैं लेकिन ये पूरे गुड़गांव NCR में आपको ये जल्दी चने का सत्तू नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा थैंक यू मैम। सारा खाना लगा दिया एंड आई लाइक द होल पैशन ऑफ शिवानी जी, शी इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। पतल की प्लेट पे सर्व करना इंट्रीग मी बिकॉज मेरे को लगता है यार आदमी पहले देख के खाता खाना। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली किलर। प्राइसेस मैंने हालांकि बता दिया स्क्रीन पे, लिखे भी आ जाएंगे। चालू करते हैं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लिट्टी। पूरी देसी घी में डुबो के देती, आ जाओ ये देखो जी अंदर से। वाह जी वाह इज़न दिस नाइस। बात करते हैं पानी आया था ना रुका नहीं जाता। सी मेरा सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि मैं जो भी खाना दिखाऊँ ना वो ऑथेंटिक दिखाऊँ, नो मैटर यू लाइक इट नॉट यार, बट मैं सिर्फ क्वालिटी पर चलता हूँ। ऑलराइट 3, 2, 1 सब्सक्राइब कर लो, लेट्स गो इन। एब्सोल्युटली किलर। मैं सच बता रहा हूँ इम्प्रेसिव। मैं ना इतना फैंसी नहीं करता लिट्टी को लाइफ में ऑनेस्टली। एक तो हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती गुड़गांव में, और अगर होती भी है तो ध्यान नहीं आता, बट आई एम टेलिंग यू खा के मज़ा आ रहा है। लिट्टी कुक टू परफेक्शन। यस देसी घी का फील आ रहा है, इट्स प्रॉपर रिच। देयर इज सम चटकारा फील यार, सम अचारी फील। ये नहीं कि अचार साल सबके उसकी वजह से बोल रहा हूँ, बट वैसे द मसाला आर करेक्ट यार, सच बता रहा हूँ। नाउ लिट्टी चोखा इज सच अ लाइट पिंक, स्पेशली चोखा गुड एक प्लांट का बना हुआ है, आलू साथ में अंदर है, वेरी लाइट डिश। खाते रहो खाते रहो खाते रहो। देसी घी में मैं लाइट इसलिए बोल रहा हूँ ओनली बिकॉज खान के पता नहीं चल रहा कि कुछ हैवी खाया। हाँ जी भाई ये परौंठा लेते हैं मच्छी के साथ, चलो सरसों की मच्छी पूरी रहू। ध्यान से इसमें हल्के से होते हैं, छोटे छोटे ना हल्के से कांटे होते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये देखो स्किन के साथ आए हाय हाय हाय, बट जो मेन होती है वो दिन की ग्रेवी, ये ला जी ये देख रहे हो। ऑलराइट हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे रिव्यू करने के बाद जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं और जो रिव्यू दिया वो ही ऑर्डर करना। और मैं सच बता रहा हूँ आपको पसंद आएगा, मेरे रिव्यू सच्चे होते हैं, जायज़ होते हैं, एंड आई लाइक पीपल हु आर इन टू फूड। अपना पैशन को बिजनेस बना लिया, उसी को बेचते हैं, उसे कमाते हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली क्वालिटी इंटैक्ट रखते हैं, खुद काम कर रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मैटर करता है। फिश स्मूथ नाइस, मज़ा आ रहा है। यस पूरा सरसों की फील आएगी, जिसको सरसों खाना पसंद है मस्टर्ड ऑयल का बना हुआ उनके लिए इम्प्रेसिव है। एंड मच्छी के फैन ना अंत नहीं है, फिश एंड राइस गोज रियली वेल। मैं खा नहीं रहा, मैं थोड़ा राइस मटन रखूँगा, दिस इज़ माई फेवरेट कॉम्बो यार, थोड़ा सेल्फिश हूँ मैं इस मामले में तो यार। हाँ आ जाओ जी, ये देखो ये है जी चिकन। ऑनेस्टली हल्का ड्राई हो गया बट मे बी कुक हो रहा था, वैसे अच्छा लग रहा है देखने में थोड़ा सा। ओले मसाला देखो कैसे आया है भरा भरा, ये हल्का सा प्याज डाला। हेलो जी ये देख रहे हो फ्लेवर्स आर करेक्ट, जस्ट दैट अ लिटिल ओवर कुक, इसके पीसेस अलग हो रहे हैं। मजा ही आ गया। दिस इज व्हाट आई कॉल फूड यार, अब पता दिल से बनाया हुआ फूड है, पता चल रहा है।
हाँ जी, थोड़ा सा हम साइड करते हैं, हाथों का इस्तेमाल गैस स्पून भाड़ में, स्पून चाहिए नहीं। ये मैंने राइस थोड़े डाले और इसके बीच में डाला, ये देखो जी इधर, ये देखो ये देख रहे, ये मटन, ये लो जी खाया जाए। मैडम एक चीज़ चाहिए मुझे, लहसुन साहब होता था, लहसुन आ गया, लहसुन, थैंक यू जी। ये मैंने इसलिए मंगाया बिकॉज यार इतनी पहचान तो उनको है, इसके बिना मज़ा नहीं आता। ये देख रहे हो, ये लहसुन की कलियों से लहसुन निकाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये लो जी बाइट लेते हैं बढ़िया सी, ये लो जी ये पीस लिया, खाया जाए। अगर कभी भी मटन खाना है ना, तड़कता भड़कता जान लेवा, जो अंदर से ना सीटियाँ निकाले आपके, आवाज़ें निकाले, एंड आई एम सीरियस यार, आई एम वेरी ऑर्डरी गाय, मुझे ना आई डोंट टॉक इधर उधर की बातें या बनावटी बातें, मेरे लिए अच्छा या बुरा है, एंड इफ इट्स राइट इट्स गुड इट्स टेस्टी आई विल प्रेज इट यार। ये तो ऐसे खिलाते रहो, और आप देख सकते हो मैं बिजी हो चुका हूँ अपने काम में, मतलब ना जब हम खाते हैं ना, हम खाते हैं रिव्यू के परस्पेक्टिव से, सोच के बोलना पड़ता है। एक होता है खाने को एंजॉय करना, जो आप लोग करोगे, गर्मा गर्म सर्व होगा आपको। बाय द वे लास्ट बाइट ले लूँ, उसका आपको दिखानी सत्तू वाली ड्रिंक जो 30 रुपये की दे रहे हैं मात्र गर्मियों में, जो मैम ने दिखाई थी, इसको पीते हैं। यह सत्तू की ड्रिंक 30 रुपये कीमत थी, पूरा धनिया दुनिया मार्केट माल हो गया। वंस अगेन दिस इज ट्रूली हेवन फॉर नॉन वेज लवर्स एंड वेज लवर्स, प्लीज़ ऑर्डर द मटन चिकन, यहाँ खाओगे तो बेस्ट है, क्योंकि जितना भी कह लो डिलीवरी वगैरह, इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज जो गर्मा गर्म खाने का मज़ा है ना, नो मैटर वे यू स्टे व्हेरेवर यू आर, हांडी में भी दम लगा के रहो, खाने का मज़ा लाइव यहीं पे, एंड द वे दे सर्व इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक आई सेड देख के मज़ा ज़्यादा आ रहा है। लिट्टी बोटी जगह का नाम है, मानेसर सेक्टर 1 में, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन एड्रेस प्राइसिंग कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स डाल दूंगा, ना मिले इनको फोन कर लेना, कोऑर्डिनेट कर लेना, डिलीवरी करा लेना, जो करना है इनसे डायरेक्ट बात कर लेना, एंड दे मे डिलीवर इन दिल्ली एनसीआर, आजकल पोर्टर का जमाना है, ठीक है कि नहीं है। ऐसे वीडियो पसंद हो तो बता देना कॉमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे रोशो एंड फेसबुक शो भी लिखना, वहाँ भी फॉलो करना, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, प्यार बहुत करता हूँ आप लोगों से, टेक केयर, सी यू।